वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, काफी दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था कॉकटेल्स के ऊपर और मैं सोच रहा था कि मिंट से बहुत कॉकटेल मैंने बनाया, बट आइसक्रीम एंड मिंट को कंबाइन करके मैंने कभी कोई भी कॉकटेल नहीं बनाया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक फैंटास्टिक कॉकटेल आप लोगों के लिए बनाया जाए, ऑफकोर्स वॉडका से, क्योंकि वॉडका से कोई भी कॉकटेल आप बड़ी आराम से फिक्स कर सकते हैं। और आज का जो कॉकटेल है उसका नाम है ग्रीनलैंड ग्लेशियर। एक ग्लेशियर तैयार करूंगा, वो भी माउंटेन ड्यू के साथ। कोई अमेजिंग ही कॉकटेल है। चलिए, ये रहा इंग्रेडिएंट लिस्ट, आगे बढ़ते हैं। एज यूजुअल आपको इस कॉकटेल को बनाने के लिए सिंपली एक ग्लास चाहिए, और ये जो ग्लास मैंने लाया ये वाइट ग्लास है। आप चाहे तो टॉल ग्लास में बना सकते हैं। तो एज यूजुअल आपको पहले आइस देना है। आ गया है आइस। अभी इसमें मैं डालूंगा पहले लीची जूस। इस कॉकटेल में एक अद्भुत ट्विस्ट देता है ये लीची जूस। तो मैं लीची जूस दूंगा अराउंड 30 ml, 30 ml की करीब करीब। तो ये लीजिए लीची जूस, कोई भी ट्रेटर पैक जूस जो आपको मार्केट में मिलता है वो। और ये स्टर्ड कॉकटेल है, आप इसको स्टर्ड करके बना सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगा वोडका, और वोडका आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड से चल सकता है, आपको जो पसंद है। यहाँ पर मैं डालूंगा 45 ml। हाँ, अगर चाहे तो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाहिए आप 60 डाल सकते हैं, मैं 45 डालूंगा। अब इसमें मिंट का ट्विस्ट दूंगा, जैसे कि अक्सर मैं फ्रेश मिंट को ही देता हूँ। जैसे कि पुदीना, अक्सर देखे होंगे मैं वीडियोस में पुदीना मसल करके डाला हूँ, पुदीना को मॉडल किया हूँ, बट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पुदीना सिरप, या मैं आप बोल सकते हैं मिंट सिरप। ये मार्केट में मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से खरीद भी सकते हैं। ये आपको बड़ी मतलब बहुत कम अराउंड 50 ml देना है। तो चलिए 50 ml मैं मिंट सिरप डाल देता हूँ, नीचे की तरफ मैं डाल दूंगा। बहुत सिंपल कॉकटेल है, बहुत कलरफुल कॉकटेल है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये है। अब इसमें फाइनल जो टचअप है वो आप करेंगे माउंटेन ड्यू से। इसमें भी एक ग्रीन कलर मिलता है, तो ओवरऑल जो कलर आएगा बहुत ग्रीनीज आएगा। तो चलिए माउंटेन ड्यू को डालते हैं। हाँ, आ गया। अब माउंटेन ड्यू हम लोग डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये आप आराम से डाल दीजिए। क्या वो भाई निकल जा। हाँ, अभी ये जो गैप है इस गैप को कवर करेंगे हम लोग वनीला आइसक्रीम से। तो उससे पहले मैं इस कॉकटेल को अच्छा करके स्टर कर दूंगा और इसका कलर जो है सबको मिला दूंगा। ये देखिए कैसा ग्रीन कलर का एक कॉकटेल आया है। ये देखिए कितना फैंटास्टिक कलर बन चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वनीला नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दे दूंगा और उससे बनाऊंगा ये कॉकटेल को। तो चलिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को डालते हैं। तो ये आ गया मेरे पास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और मैं इसको एक स्कूप कर लूंगा वनीला जैसे, सॉरी इसमें हम लोग ये स्कूपर को घुसाएंगे और ऐसे गोल करके एक स्कूप कर लेंगे, जस्ट एक स्कूप, और उसी को हम लोग उठा के यहाँ पर डाल देंगे आराम से। वाओ, तो ये हो गया आपका कॉकटेल रेडी। तो मैं इसको थोड़ा रख के आता हूँ। गार्निश आप मिंट लीव या मिंट स्प्रिंग दे सकते हैं ऊपर से, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस यही है आज का कॉकटेल जिसका नाम है ग्रीनलैंड ग्लेशियर। और ये फैंटास्टिक कॉकटेल को मैं टेस्ट करने के लिए बेताब हूं। तो चलिए टेस्ट करते हैं। चीयर्स टू ऑल। फैंटास्टिक फैंटास्टिक मिंट, भरपूर है भरपूर। वीडियो कैसा लगा? अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।